अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। चलिए जी, आज आप लोगों को लेकर चलती हूँ शारजा से बनियास तक का सफ़र, आप हमारे साथ कीजिए। सुबह सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोगों का नाश्ते का टाइम हो गया। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा एक हमें दुबई में रेस्टोरेंट मिला, तो हमने सोचा इस भी रेस्टोरेंट का बहुत ही अच्छा था, हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत ही टेस्टी खाना था। और जो लोग भी देसी फूड लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट और अमेजिंग प्लेस है। और इंटीरियर पे उन्होंने काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा माहौल भी था। सुबह सुबह का टाइम था तो जाहिर सी बात है कोई रश नहीं था, सिर्फ हम ही कस्टमर बैठे हुए थे फैमिली एरिया में। क्योंकि अभी थोड़ी देर तक हमारा नाश्ता भी आ जाता है, लोग आ गया, हलवा पूरी का नाश्ता हमने किया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे पराठे, चने और ये हलवा पूरी सेट और ये एग ऑमलेट और साथ में ज़बरदस्त किस्म की टेस्टी चाय, बहुत ही मज़ा आया हम लोग को नाश्ता करने का। अब हम लोग नाश्ता करके निकल चुके हैं अपने सफ़र पे, तो चलिए आगाज़ करते हैं अपने सफ़र का, बने रहिएगा साथ। मैं आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड पे दिखाऊंगी डेफिनेटली, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता था तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो जाएं पूरे 2 घंटे मेरे साथ स्लो मोशन पे मेरी वीडियो देखते रहें, तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए, ये सफ़र है शारजा से बनियास तक का और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने सफ़र भी। और जाहिर सी बात है जब इतने अर्से के बाद आप लोग मिल रहे होते हैं, स्पेशली आप बेस्ट फ्रेंड्स जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, तो उसका सफ़र इतना लंबा लगता है कि ऐसा लगता है कि टाइम गुजर ही नहीं रहा। साथ साथ ही मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि हम कब पहुँचेंगे अपने फ्रेंड्स की तरफ, क्योंकि जैसे कि हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है, हमारे बच्चों के भी आगे माशाल्लाह से इसी तरीके से अच्छी बॉन्डिंग है। तो मेरी बेटी फुल सैड मोड में है कि ये सफ़र ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, हम कब तक पहुंचेंगे। अब हम लोग ऑलमोस्ट इंटर कर चुके हैं शहामा पे कह लीजिए, बनियास से पहले का ही सफ़र ये रास्ता है, तो बस हम लोग काफ़ी क्लोज़ हैं अपने फ्रेंड की डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम लोग पहुँच जाएंगे, तो आप मेरी बेटी की एक्साइटमेंट चेक कीजिए, माशाल्लाह शी इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट हर फ्रेंड्स। और माशाल्लाह हम इतनी सारी फ्रेंड्स थी और उनके इतने बच्चे हमारे माशाल्लाह से, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक बहुत ही ईद वाला माहौल हो जाता है कि ईद ना भी हो तो जब दोस्तों से मिलते हैं तो बिल्कुल ईद वाला माहौल ही लगता है। नहीं जी, हम लोग बनियास, मेरी बेटी की एक्साइटमेंट चेक कीजिए, इतनी एक्साइटेड हैं क्योंकि जो मेरी एक फ्रेंड हैं जिनके घर पे हम जा रहे हैं उनकी भी बेटी इनसे 1-8 साल ही बड़ी हैं बस, और इन लोग सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो चुके थे तो खाने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हम लोगों ने मिलकर बनाए चिकन पुलाव और साथ में आलू गोश्त का सालन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों की बहुत सारी मेमोरीज भी रिकॉल हो चुकी होंगी। इसी तरीके से मुझे भी अपने दुआओं में और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी अपने हिस्से मान में रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह।